हेलो नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे अब द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो पीडीएफ थी वो मैंने अपलोड कर दी है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज भी मिल जाएगा, और कल का जो वीडियो था करंट अफेयर रिविजन का पॉलिटी का उसमें मैंने अपलोड कर दी थी, तो आप वहाँ से भी जो जितनी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो करंट अफेयर रिविजन की। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो चलो अब डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है लेनिन के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ही है कि त्रिपुरा के अंदर अभी नई गवर्नमेंट बनी और वहाँ पे लेनिन की मूर्ति थी उसको गिरा दिया गया, तो उसको लेके यहाँ पे आर्टिकल है। तो यहाँ पे ये इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट हमारे लिए काम के हैं और 1-2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा हमारी साइड से भी यहाँ डिस्कस है वो कर रहे हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि भाई लेनिन का योगदान क्या था, वो यूपीएससी में भी पूछ सकती है। देखो सीधी सीधी बात यह है कि लेनिन के बारे में देखते हैं कि लेनिन है कौन, क्या सीन है। देखो जिस प्रकार कार्ल मार्क्स थे उनका एक्चुअली जो समाजवाद की आइडियोलॉजी थी उन पर काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है कि भाई कार्ल मार्क्स थे वही समाजवादी आइडियोलॉजी के जन्मदाता थे, ऐसी बात है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स के बाद जो नंबर आता है दूसरा नाम वो आता है लेनिन का, मतलब लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है उसमें लेनिन दूसरे नंबर पर आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं कार्ल मार्क्स। तो ये थे जो लेनिन थे, इनके सानिध्य में ही रशिया में एक रिवोल्यूशन होता, मतलब रशियन क्रांति थी जो हुई थी 1917 में, वो थी उस टाइम पर। तो उसमें हुआ क्या था रशियन रिवोल्यूशन में, उसमें हुआ ये था कि कैपिटलिज्म हुआ, साम्राज्यवाद, जो इंपीरियलिज्म जैसी चीज़ें थी इनका विरोध किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि रशिया में मतलब यूएसएसआर में उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे समाजवाद था, कम्युनिज्म था, और यहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे क्या था, इंडिया में उस टाइम पे साम्राज्यवाद जो है वो परचम पे फहरा था क्योंकि ब्रिटेन के अंडर था उस टाइम पे इंडिया। तो उसी लिए उन सारी चीज़ों का विरोध किया जा रहा था। तो वो सारे अलग बात, देखो 1-2 पॉइंट यहाँ पे ये भी आते हैं कि लेनिन ने उस टाइम पे इंडिया का डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया था, वो केवल अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि भाई पूंजीवाद है बुरी बेकार चीज़ है, साम्राज्यवाद है, ये ऐसे ऐसी चीज़ है, बट उन चीज़ों से इंडिया को केवल फायदा हो रहा था। और एक चीज़ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी कि भगत सिंह थे वो भी लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, तो ये मैं भी यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में थोड़ा पूछ सकती है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। तो बात ऐसी है कि देखो राइटर यहाँ पे 2-3 पॉइंट एक तो ये बता रहे हैं कि देखो जो एक तो हमारी डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनके खिलाफ है कि मूर्तियाँ वगैरह गिराना। क्योंकि बात ऐसी है कि देखो कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति हो या फिर कोई भी आइडियोलॉजी हो वो अपने आप में काफ़ी एक तरीके से पूर्ण होती है, और उसमें इस तरीके से कमियाँ वगैरह निकाल के उनकी जो सोशल फैब्रिक है उसको बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। अब हो सकता है कि देखो कुछ लोग वो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी से प्रभावित होते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, कांग्रेस किसी भी गवर्नमेंट बन रही है, तो वो पुरानी मूर्तियां वगैरह को गिरा दे। देखो फिर यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से मूर्तियां वगैरह गिराई जाती हैं तो कल से भीमराव अंबेडकर की मूर्ति गिराई जाएगी, फिर कल परसों किसी और की मूर्ति अगर गिराई जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमारे देश में नफरत है वो बढ़ेगी, एक से दूसरी कम्युनिटी के बीच में नफरत का माहौल वो और ज्यादा बढ़ेगा, कम्युनिटी में तनाव है वो बढ़ेगा, और उसका कुल रिजल्ट ये आएगा कि हमारे देश में जो कम्युनलिज्म के जो मुद्दे हैं ना और ज्यादा हाई हो जाएंगे, मतलब हमारे देश में सांप्रदायिकता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर राष्ट्र में 1-2 पॉइंट ये बताते हैं, और 1-2 पॉइंट मैं आपको यह बताना चाहूंगा वो ये है कि देखो जिस तरीके से मूर्तियां जो बन गई हैं वो तो कोई बात नहीं है, बट आगे से मेन चीज़ों को लेकर ध्यान में चलना चाहिए कि कोई भी जब रूलिंग पार्टी आती है वो तो किसी की मूर्ति वगैरह को प्रमोट ना करे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर से फॉर एग्जांपल ले लो, आप केवल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी आती है और किसी की मूर्ति लगाती है, उसके बाद अगर कांग्रेस आएगी तो ऑब्वियसली उस मूर्ति का विरोध करेगी, वो दूसरी मूर्ति लगेगी, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में नफरत का माहौल बढ़ेगा, मतलब एक तरीके से क्या है कि सांप्रदायिकता का माहौल वो ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो उससे हमें बहुत सारी दिक्कतें उनका सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें इस तरीके की मूर्ति वगैरह का जो काम है इससे बचना चाहिए, और मूर्ति वगैरह में जो जगह यूज की जाती है स्पेस वगैरह स्टैचू वगैरह में उसको हमें सोशल यूज के लिए करना चाहिए, जैसे वहां पे कोई टॉयलेट वगैरह बना दिया, पब्लिक यूज के लिए हॉस्पिटल बना दिया, कोई स्कूल वगैरह, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वगैरह करने चाहिए ताकि उस जगह का यूटिलाइजेशन है वो हो सके। तो ये था जो आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है वो आया है सोलर एनर्जी के बारे में। तो इस आर्टिकल को देखते हैं, GS3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लेकर 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखो बात यह आती है कि हमारे देश में सोलर एनर्जी के बहुत बड़े सोर्सेज, मतलब सोलर एनर्जी की काफ़ी प्रचुर मात्रा है, बट दिक्कत क्या है कि इंडिया उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है, सबसे पहली बात आती है कि एक तो इंडिया के पास फंड का इशू रहता है, दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है, काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी होती है, तो उसकी वजह से लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है भूमि अधिग्रहण का, कि लैंड एक्विजिशन का, कि भाई देखो अगर सोलर पंप नहीं सॉरी सोलर प्लांट वगैरह कुछ भी लगाना है तो उसके लिए हमें चाहिए ज़मीन, ज़मीन के ऊपर वो लगा जाएंगे, तो हमारे देश में ज़मीन तो आपको पता है कि आसमान के दाम छू रहे हैं, तो ऐसे माहौल में ज़मीन भी नहीं मिल पाती, तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। बट राइटर ये कह रहे हैं कि एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है कि सब लोग हैं वो अपने अपने घरों पे सोलर प्लांट है वो मतलब अपने घरों पे सोलर एनर्जी के प्लांट्स हैं वो लगा लें, तो इससे फायदा होगा कि वो अपने घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज़ होनी है वो यूज़ कर लेंगे, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बताया गया है कि हर घर की छत पर सोलर
जो सोलर प्रोजेक्ट है वो लगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए राइटर यहाँ पे केस स्टडी बताई गई रिसेंटली, वो बताई गई बेंगलुरु कि बेंगलुरु में एक एरियल मिशन है वो लाया गया है। एरियल मिशन में ये किया गया कि जो लिडार टेक्नोलॉजी है ना, लिडार टेक्नोलॉजी, इसकी हेल्प से ये देखा जाएगा कि वहाँ पे सोलर जो एनर्जी है उसका कहाँ कहाँ यूज़ है वो किया जा सकता है। मतलब सोलर एनर्जी की जो उम्मीदें वो देखी जाएंगी कि इस वाले एरिया में सोलर एनर्जी के प्लांट है वो लगाए जा सकते हैं, इस वाले एरिया में सनलाइट काफ़ी अच्छी रहती है तो यहाँ पर ये हमें फायदा हो सकता है। हम एक तरीके से उसका 3D मैप तैयार किया जाता है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, लिडार टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है। अब लिडार जो टेक्नोलॉजी है इसमें रिमोट सेंसिंग मेथड है वो यूज होता है, और इस रिमोट सेंसिंग मेथड से क्या होगा, 3D मैप तैयार किया जाएगा सिटी का बेंगलुरु का, फिर देखा जाएगा कि हाँ भाई इस एरिया में अगर सोलर एनर्जी का प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं, इस एरिया में यहाँ पे लगा सकते हैं, तो जिससे ज़्यादा हमें फायदा होगा। तो इस तरीके से राइटर कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्लान है वो लिया गया है, क्योंकि इस तरीके के प्लान है वो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज और सिटीज़ में भी लिए गए हैं, तो इससे इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ प्रॉपर प्लान हो जाएगा कि हाँ भाई हमारी इस सिटी बेंगलुरु सिटी में इतनी एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जा सकती है सोलर से, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो दूसरे एरिया से प्रोड्यूस की जा सकती है, तो इससे उस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रावधान रखा है कि भाई 2022 तक हमें सोलर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करनी है, तो अगर हमें हमारे जो टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस करें और इसकी तरफ जो प्लांटेशन वगैरह है उसकी तरफ हम लगातार अग्रसर हों। अब देखो यहाँ पर राइटर दो तीन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको, कौन कौन सी पॉलिसी है वो देखते हैं। देखो सोलर एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट आते हैं, जो जो प्लेट वगैरह जो यूज की जाती है सोलर जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या है कि इंडिया में काफ़ी महंगी प्रोड्यूस होती है, मतलब उनका रॉ मटेरियल महंगा होता है, तो इसीलिए जो फॉरेन कंट्रीज जैसे कि चाइना से इंपोर्ट की जाते हैं या फिर यूएसए से जो इंपोर्ट की जाती हैं वो इंडिया से 30-40% काफ़ी सस्ती होती है। जैसे कि इंडिया में एक प्लेट 1000 रुपये की आ रही है, तो वहाँ पे वही प्लेट हमें 600-700 रुपये के आसपास की, इतना कुछ कॉस्ट की पड़ती है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि बट हमारे देश की गवर्नमेंट क्या करिए, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी लेके आ रही है। प्रोटेक्शन की पॉलिसी क्या है कि भाई घरेलू जो इंडस्ट्री है इनको बचा के रखना, इसलिए क्या करती है इंपोर्ट पर टैक्स वो बढ़ा देती है, टेरिफ बैरियर वगैरह लगा देती है, ताकि क्या होगा कि फॉरेन से जो भी इंपोर्ट आ रहा है सोलर प्लांट्स का जो इक्विपमेंट आ रहे हैं वो महंगे हो जाएं, तो इससे होगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो बिकने लग जाएंगे। बट राइटर ये कह रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत अच्छा है कि हाँ भाई हमारे देश की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, बट राइटर ये कह रहे हैं कि जो प्रमोट करने का तरीका वो गलत है, क्योंकि इस प्रमोट करने के तरीके से लोगों को नुकसान हो रहा है। एक तो वहीं देखो कि जो सोलर प्लेट थी वो पर लोगों को 700 रुपये के आसपास पड़ रही थी, और अगर अब वहीं पर गवर्नमेंट ने टेरिफ बैरियर लगा दिया तो उस कंडीशन में 1000 रुपये की पड़ रही है, तो ऑब्वियसली लोगों को लॉस हो रहा है ना, और लोगों के पास अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो लोग ऑब्वियसली सोलर एनर्जी की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सस्ते प्रोडक्ट है वो लेके आने चाहिए, मतलब सोलर एनर्जी की तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना है तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। इसके साथ ही जो इंडिया की जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को और ज़्यादा सब्सिडी जो मेटेरियल वो सस्ता लाना चाहिए, ताकि क्या होगा इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी के जो इक्विपमेंट है वो प्रोड्यूस किए जा सके। इसके बाद में राइटर सुझाव ये देते हैं कुछ कि देखो जिस प्रकार इंडिया है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक तरीके से लीड रोल है वो निभा रहा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे देश के गुरुग्राम में ही है, तो इसलिए इंडिया को इस मामले में और ज़्यादा लीड है वो निभानी चाहिए, मतलब इंडिया को इस मामले में जो हेड रोल है वो निभाना चाहिए, ताकि बाकी कंट्रीज़ को भी इंडिया कुछ ना कुछ बता सके और इंडिया को इस चीज़ का फायदा है वो लेना चाहिए। इसके साथ ही जो मैपिंग के जो प्रोजेक्ट है ना, जैसे कि बेंगलुरु में भी जो एरियल मिशन लाया गया था कि लिडार टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरे सिटी का 3D मैप तैयार किया जा रहा था, फिर देखा जा रहा था कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे उम्मीद है और किस तरीके से हमें इसका फायदा हो सकता है, उसी तरह पे वर्ल्ड की जो बाकी इंडिया के जो बाकी सिटीज़ हैं उन पे फोकस करना चाहिए, और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनको भी इस चीज़ के लिए प्रमोट करना चाहिए कि भाई वो फाइनेंशियल एड है वो दें, क्योंकि देखो जो बैंक वगैरह अगर वो इसके लोन देंगे तो इसमें लॉस तो होने वाले उम्मीद है नहीं, तो इससे फायदा होगा। इसके साथ ही जो बाकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी से उनकी तरफ भी गवर्नमेंट को फोकस है वो करना चाहिए, और लास्ट में ये जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी है उस पर भी फोकस करना चाहिए और जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके आनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो सोलर एनर्जी के बारे में था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है श्रीलंका में, कंटेक्स्ट ये है कि श्रीलंका में अभी इमरजेंसी वो लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है, वो इसलिए लगा दी गई है कि श्रीलंका में मुस्लिम और जो बुद्धिज्म के लोग थे उनके बीच में दंगे वो फैलने लगे थे, मतलब सांप्रदायिकता का माहौल है वो बढ़ता जा रहा था। कंटेक्स्ट देख लिया हमने, सीन थोड़ा एक बार बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी और जो बुद्धिज्म कम्युनिटी है श्रीलंका की, जो बुद्धिज्म कम्युनिटी है वो एक्चुअली सिंहली समुदाय की है, और श्रीलंका में जो मेजोरिटी है वो सिंहली समुदाय की है। इन श्रीलंका में मेनली 3 कम्युनिटी मैन है, सबसे पहले आती है सिंहली जो कि है बुद्धिस्ट धर्म के प्रति, दूसरी आती है तमिल कम्युनिटी जो कि हमारे देश में तमिलनाडु उस एरिया के लोग हैं और वहाँ के जो लोग हैं, इसके बाद में तीसरी कम्युनिटी थी वो आती है मुस्लिम। तो मेनली सिंहली और मुस्लिम के बीच में दंगे वो फैल गए थे, उसको लेकर सारा मुद्दा था वो था केंडी सिटी से, तो सिटी वगैरह का नाम हमें याद नहीं रखना है। इसके बाद माहौल और ज्यादा बढ़ गया। अब श्रीलंका गवर्नमेंट ने डिसीजन काफी अच्छा उठाया कि भाई मामला और ज्यादा बिगड़े उससे पहले अगर इमरजेंसी लगा दी जाए तो हालात पे काबू वो पाया जा सकता है।
राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो इमरजेंसी लगाने के पीछे रीजन ये है कि देखो वहाँ पे जो नफरत और जो सोशल मीडिया पे जो गलत बातें वो फैलाई जा रही थी, एक तरीके से हेड स्पीच है वो लगातार बढ़ते जाते, तो ऐसे माहौल में श्रीलंका गवर्नमेंट ने पहले स्टेप उठाया। और यहाँ पे एक बात ये सामने आती है कि 2011 में भी श्रीलंका में इमरजेंसी वो लगी थी और अभी रिसेंटली 2018 में भी इमरजेंसी लग गई, तो मतलब 6-7 साल में वापस इमरजेंसी लग रही है। तो इससे एक चीज़ सामने आ रही है कि श्रीलंका की जो हालत है वो नाजुक कंडीशन में, श्रीलंका अच्छी स्टेज पर नहीं है अभी, श्रीलंका में डेमोक्रेसी खतरे में आ रखी है क्योंकि बार बार वहाँ पे इस तरीके एक इमरजेंसी लगाई जा रही है। तो हम अगर किसी भी कंट्री में इमरजेंसी लगती है तो वो उसकी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी इमरजेंसी में क्या होता है कि लिमिट है वो लग जाती है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह है उन पे लिमिट है वो लग जाती है, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि श्रीलंका गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाना चाहिए। और फिर यहाँ पे राइटर एक बात ये उठा रहे हैं कि श्रीलंका की जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट है विक्रमासिंघे की, उस पर ये आरोप लगता है कि कई बार वो एंटी माइनॉरिटी के खिलाफ काम करिए, मतलब एंटी माइनॉरिटी के लिए काम करिए, मतलब जो वहाँ पे माइनॉरिटी लोग हैं वहाँ पे मुस्लिम है वो थोड़े माइनॉरिटी में, तो मुस्लिम लोगों के ऊपर वो माइनॉरिटी का दिखा वो दिखा रहे, इसलिए वहां पे थोड़े पार्शलिटी वगैरह का भेदभाव का आरोप है वो लगता है। फिर यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जिस प्रकार म्यांमार के अंदर रोहिंग्या का इश्यू हुआ था और वहां पे इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, तो उसकी वजह से वहां पे फिर मुद्दा और ज्यादा हावी हो गया था और फिर पूरे विश्व में समस्याएं वो फैल गई थी। तो उसी तरीके से श्रीलंका ने स्टेप तो खैर अच्छा उठाया कि भाई माहौल और ज्यादा खराब हो उससे पहले स्टेप है वो उठा लिए जाए। तो इसको लेके 2-3 पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। आर्टिकल ये है वो है GS1 के लिए। एक्चुअली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो वर्क प्लेस में वुमेन के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट है होती है उसके बारे में इस आर्टिकल में पॉइंट्स ऑफ डिस्कस किया गया है, क्या क्या तो कमी है और क्या क्या हमें स्टेप उठाने हैं। देखो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है, उसमें बहुत बेसिक से पॉइंट है वो दिए गए जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, उन सारे पॉइंट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल की शुरुआत होती है मी टू कैंपेन की। लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास ये मी टू कैंपेन है वो एक्चुअली फॉरन कंट्री से स्टार्ट होता, मतलब वेस्टर्न कंट्री से। उस टाइम पर इश्यू कुछ ऐसा था कि वहाँ की हॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी, उन्होंने एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा था वो उठाया था और उन्होंने कैंपेन को स्टार्ट किया था। इसके बाद एक के बाद एक वुमेन थी वो सामने आने की और उन्होंने कहा कि हाँ भी हमारे साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं वो हुए हैं। अब देखो राइटर यहाँ पे पॉइंट ये बता रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के जो केस है ना वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसों में कमी आ रही है। गवर्नमेंट है उसके मेनली यहाँ पे फिर ये पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है इंडियन के नजरिए से कि इंडिया गवर्नमेंट है ना उसके पास बाकी डाटा तो बहुत तरीके का है, मतलब बाकी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करके हैं, बट देखा जाए तो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो भी केस होते हैं ना उनके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मतलब जितने भी हमारे देश में रेप या सेक्सुअल हरासमेंट के और भी जो केसेस होते हैं वुमेन के लिए उनके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई एक सिस्टम नहीं है जहाँ पे पूरी रिपोर्ट रहेगी हाँ भाई इस साल इतने इतने डाटाज हुए हैं इस साल इतने केस, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई सर्वे वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा करवाया नहीं जाता है और ना ही उसका फिर रिजल्ट है वो ढंग से अनाउंस किया जाता है, ना ही उसमें जो कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। अब देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में सेक्सुअल हरासमेंट का जो डाटा है ना उसको कलेक्ट करना काफ़ी चुनौती भरा है, काफ़ी चुनौती भरा काम है। क्यों है चुनौती भरा काम वो हम देखते हैं। हमारे देश में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केस का काम है, मतलब डाटा कलेक्ट करना चुनौती भरा काम इसलिए है क्योंकि देखो सेक्सुअल हरासमेंट का केस जिस भी वुमेन या फीमेल के साथ होता है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी पेनफुल होता है, तो ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो ये इतना ईजी नहीं होता उनके लिए कि वो अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करें। और दूसरी बात ये कि देखो जब भी कोई सर्वे वगैरह कंडक्ट किया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड तो क्या होता है, मतलब एक तरीके से जो इंटरव्यूअर होता है जो भी लोग सर्वे करने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं पब्लिकली प्लेस में उनसे क्वेश्चन से वो पूछते हैं वुमेन से, तो कोई भी वुमेन है वो पब्लिकली प्लेस में उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के केस है वो नहीं बताएगी, क्योंकि हमारे देश में एक सबसे बुरी आदत ये है कि जब भी कोई भी अगर जो भी विक्टम होता है ना अगर विक्टम ही ये बता दे कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हो ना तो लोग उसको बुरी नज़र से देखते हैं, एक कलंक है वो लग जाता है, मतलब सोसाइटी में एक तरीके स्टिग्मा है वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप बेसिक से एग्जाम्पल दे सकते हो कि कोई भी एक फीमेल है अगर इसके साथ रेप होता है तो उसमें क्या होता है लोगों की मेंटेबिलिटी वही इतनी खराब हो जाती है, लोगों का नजरिया ऐसा हो जाता है कि यार इसके साथ तो रेप हुआ है तो उसको क्या बड़े काफी हीन नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं कि भाई इसकी क्या गलती है, तो लोगों का हमारे देश में सोसाइटी की जो मेंटेबिलिटी है उसके ऊपर यहाँ पे प्रहार किया गया इस आर्टिकल में कि उनकी सोच ही ऐसी है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो विक्टम है उस लड़की की या जो फीमेल उसकी कोई गलती नहीं होती है उसके बावजूद भी सारा जो बोझ है उसके ऊपर डाल जाता है, सारी लाइफ उसकी स्पॉइल हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए मुद्दा ये आता है कि जो भी फीमेल होती है वुमेन होती है वो अपना जो पॉइंट है सेक्सुअल हरासमेंट जो भी केस है वो पब्लिकली सामने नहीं लेके आ पाती क्योंकि उन्हें अपनी अपनी आइडेंटिटी का अपनी डिग्निटी का काफी बड़ा इश्यू रहता है, इसलिए सारे जो जितने भी सर्वे वगैरह होते हैं उनमें सही डाटा सामने नहीं आ पाता है। दूसरी बात यह है कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन ना वो क्लियर नहीं है, मेल के नजरिए से सेक्सुअल हरासमेंट कुछ अलग है और फीमेल के नजरिए से सेक्सुअल हरासमेंट कुछ और है, तो इसलिए एक तो डेफिनेशन का काफी बड़ा इशू है तो उसकी वजह से पता ही नहीं चल पाता कि भाई ये सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होगा या नहीं होगा।
इसके बाद में बात ही आती है, एक सर्वे की बात आती है, वो आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, उसमें सर्वे में कुछ चीज़ें सामने आई थी। देखो डाटा वगैरह सारा तो हमें याद नहीं रखना है केस स्टडी का, बट एक दो पॉइंट आप ये देख सकते हो। उसमें ये चीज़ सामने आई कि सबसे बड़ी बात तो एक तो कि जो क्वेश्चन है ना उनके आंसर देना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि क्वेश्चन काफ़ी पेनफुल होते हैं, तो कोई भी जो भी विक्टम है या जो भी पीड़ित लोग पीड़ित वुमेन है वो एक्चुअली उनका आंसर है सबके सामने नहीं दे पाती, क्योंकि काफ़ी मुश्किल भरे क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं कि आपके साथ किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल काम होता है, वो नहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकती। इसके बाद में बात ये आती है कि सोसाइटी में क्या कि हमारे में कलंक का नज़रिया देखा जाता है कि भाई इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसको काफ़ी कलंक के नज़र उसके साथ फ्यूचर में उसकी शादी काफ़ी सारे जॉब में उन्हें इश्यू आता है, तो इसकी वजह से भी ये जो सारे क्वेश्चन है वो सामने नहीं आ पाते हैं। इसके बाद में राइटर वही कह रहे हैं कि हमारे देश में देखो जो सर्वे हुए हैं ना उनसे ट्रू पिक्चर सामने नहीं आई है। ट्रू पिक्चर सामने क्यों नहीं आई है वो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्योंकि सर्वे में सही बातें सामने नहीं आ पाती हैं। इसके बाद में एक लास्ट में पॉइंट आता हुआ रहता है कि लोगों का प्रिसेप्शन है वो भी सही नहीं है। लोगों का प्रिसेप्शन इसलिए सही नहीं है, जो मेल पर्सन होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो सेक्सुअल हरासमेंट है वो कुछ और होता है, और फीमेल के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट है वो कुछ और है। जैसे कई बार फीमेल कहती है कि वो इस नज़र से देख रहा था तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होता है कि भाई वो उनसे घूर रहा था, बट मेल इस चीज़ को कई बार काउंट नहीं करते हैं। तो मतलब एक तो प्रिसेप्शन वो ही काफी अलग है, तो ये काफी बड़ा इश्यू है वो सामने आता है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बात की जाती है कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे प्रावधान तो करने की कोशिश कर रही है, बट कोई अच्छा रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा है। इसके साथ ही बात ये आती है कि जो वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है ना उसका तो कोई भी डाटा गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, उसका तो कोई सर्वे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्क प्लेस पर कोई वुमेन काम कर रही है तो वो ऑब्वियसली अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहेगी, तो एक तो जो भी इंटरव्यू वगैरह जो भी सर्वे वगैरह कंडक्ट करवाते हैं उनके सामने वो अपने क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स है या अपने साथ जो भी कुछ केसेज हुए हैं उनके बारे में। दूसरा उनके इमोशंस का ही सवाल होता है, तो इसलिए कोई भी इंसान अपने इमोशंस है वो इतने जल्दी किसी के सामने पब्लिश नहीं कर पाता है। इसके बाद में बात ये आती है वो आता है एक प्राइवेसी का, कि देखो कोई भी वुमेन के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ केस हुआ है तो वो अपनी प्राइवेसी के चक्कर में क्या करेगी, ऑब्वियसली किसी को नहीं बताना चाहेगी कि कहीं ना कहीं मैं इस इंसान को बताऊं और फिर ये पब्लिकली सामने लेके आएगा तो मेरी इमेज है वो खराब हो जाएगी, तो वो मुद्दा भी सामने आता है। तो राइटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी सर्वे वगैरह कुछ ऐसा कंडक्ट करवाया जाता है ना तो एक तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनका तरीका काफ़ी अलग होना चाहिए, मतलब तरीका काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जो भी विक्टिम है उसको ऐसा ना लगे कि यार उसको हरासमेंट किया जा रहा है या उसको मतलब एक तरीके से काफ़ी जलील फील करवाया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, माहौल उसके फेवर में होना चाहिए, और उसके बाद ही सर्वे में क्वेश्चन वो पूछने चाहिए। इसके बाद बात आती है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो पब्लिकली नहीं पूछने चाहिए, वो उनको उनके साथ प्राइवेट पर्सन प्राइवेट प्लेस वगैरह पर पूछने चाहिए ताकि उनकी आइडेंटिटी का इशू ना हो और ना ही उनका डाटा है वो भी कहीं इधर उधर मिसयूज हो सके। इसके बाद में बात ये आती है कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है सर्वे का तो उसमें जिस पर्सन से इंटरव्यू वगैरह के लिया गया उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि इससे भी जो संवेदनशील मामला होता है वो और ज़्यादा सुर्खियों में आ जाता है, जिससे कि जो विक्टिम होता है उसको एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे इस आर्टिकल में पॉइंट हैं वो डिस्कस किए गए, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स का यूज़ है वो कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। तो क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, यह मेनली GS3 की टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट्स में इसका यूज़ है वो कर सकते हो साफ साफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का देखो सीधा सीधा मतलब आपको बताऊं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है एक तरीके से इकोसिस्टम है जिसमें क्या होता है कि इंटरनेट से जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं ना वो आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है वो आपके वाईफाई राउटर से कनेक्ट है, आपका टीवी वाईफाई राउटर से कनेक्ट है, और फिर आपका जो राउटर है वो आपके घर के बाकी जो सारे कनेक्ट, मतलब एक तरीके से क्या है कि सारा एक नेटवर्क बना हुआ है। जैसे ए बी से कनेक्ट है, बी सी से, सी ए से, इस तरीके से आपस में क्या है सारा सिस्टम कनेक्ट है। तो उससे क्या होगा कि आपके बारे में जो आप एक जगह से डाटा है वो दूसरी जगह आराम से शेयर कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल का डाटा है वो आराम से आपका डाटा है वो लैपटॉप के पास जा सकता है, लैपटॉप से डाटा है वो आपके टीवी में जा सकता है, तो इस तरीके से डाटा इधर से उधर ट्रांसफर है वो किया जा सकता है। ये होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बेसिक सा एग्जांपल है। इसके बाद में देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी लाइफ है ना इससे काफ़ी स्मूथ हो जाती है। इसका आप सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का किस तरीके से हमें फायदा होता है। जैसे कि आपने कई बार कंप्यूटर वगैरह कुछ भी रन करते हैं तो हमारे पास कुछ एरर मैसेज आता है कि भाई ये आपके सिस्टम में ये कमी है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ये जो भी डेवलपर है इसको भेजनी या नहीं भेजनी, सेंड और डू नॉट सेंड का ऐसे कुछ ऑप्शन आता है। तो वो क्या है, वो मतलब ये कि आपका सिस्टम में कुछ भी इशू आ रहा है तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से उसने कैप्चर कर लिया कि भाई आपके सिस्टम में ये कमी है, और उसके बाद वो ये पूछ रहा है आपसे कि हाँ भाई जो भी डेवलपर है जिस भी कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है उसके पास हमें डिटेल भेज दें कि भाई
सॉफ्टवेयर में इस सिस्टम में दिक्कत आ रही है तो आप उसको रेक्टिफाई करो। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, इससे एक तो हमारा टाइम बचता है कि यार हमें ये इधर उधर देखना नहीं पड़ता कि हमारे सिस्टम में दिक्कत क्या आ रही है, और वो डाटा अपने आप ही कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी फिर हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट वगैरह लेके जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको सोल्व कर देती है। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग का एग्जाम्पल क्या है। इसके साथ ही हमारी लाइफ में और भी जैसे कैशलेस में फायदा होता है, एटीएम वगैरह वो भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसका और ज़्यादा फायदा है वो हो सकता है। तो ये कुछ आर्टिकल में दो तीन पॉइंट ही पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो फिलहाल की डिस्कस में इतना ही है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया है वो किया है लेनिन और त्रिपुरा का आर्टिकल, कि भाई लेनिन की जो मूर्ति थी वो त्रिपुरा में गिराई गई थी उसको लेके कि हमने पॉइंट डिस्कस किया। लेनिन थे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी थे और रशियन रिवोल्यूशन से उसका काफ़ी बड़ा संबंध था। भगत सिंह थे वो भी इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। उसके बाद जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे अगला आर्टिकल के, वो था सोलर एनर्जी के बारे में कि सोलर एनर्जी के इंडिया में काफ़ी सारे स्कोप्स हैं और किस तरीके से हम इनका फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या कमी है वो भी हमने सामने देखी। इसी के साथ बेंगलुरु का जो एरियल मिशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ हमने श्रीलंका का आर्टिकल डिस्कस किया कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है क्योंकि वहाँ पे कम्युनलिज्म के जो मुद्दे हैं वो हावी होते जा रहे हैं, सांप्रदायिकता वो बढ़ती जा रही है, मेनली मुस्लिम और बुद्धिज्म के बीच में लड़ाई है वो हो रखी है, वो पॉइंट्स थे। इसके बाद में बात आती है सेक्सुअल हरासमेंट की, जो कि GS1 के लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। इसमें भी डिस्कस किया गया था कि भाई वुमेन के साथ किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट होता है और किस तरीके से उनके लिए काम है वो करना है, क्या क्या गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए और कौन कौन से बेसिक चीज़ों पर हमें ध्यान है वो देना होगा। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, किस तरीके से आज की हमारे लाइफ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। PDF है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो।